यह कब्रस्तान में जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये अपना जमात की तरफ से विधान तफक्कुर का प्रोग्राम है। कार्पोरेशन में अभी के हमारे कमिश्नर बालचंद भोसाली साहब जो ये सोच रहे होंगे कि मैं तो यहां से 15 लाख का बजट दिया और इतना खुश लोग क्यों है, वो इससे ज्यादा बजट भी कई जगह दिए है, मगर यहां उसी जो मैं महसूस कर रहा हूं वो आयुष साहब भी महसूस कर रहे होंगे। उनको ये जानकर और खुशी होगी कि यह कब्रस्तान में पहली बार महानगर पालिका उत्तर कोई बजट दे रही और ये उससे ज्यादा खुशी की बात है कि नासिक जिला मेरी मालूम से यहां तक कि धुलिया भी यह जमात के किसी फर्द का इंतकाल होता है तो उसको यही दफन किया जाता है मालेगांव में। मैं कमिश्नर साहब को बोला भी था ये आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मुझे नहीं पता, मगर ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो इन जमात के लिए। इन जमात का ताल्लुक निहाल साहब के वक्त से अली अकबर मरहूम मेंबर थे हाजी शेख अख्तर शेख इससे निहाल साहब के वक्त से एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है। साहब जब अव्वलीन मेयर बने तो उस वक्त जहां आज वाले वॉल कंपाउंड होने वाला है मेरी समझ से इसी जगह को ठहराव करके इस जमात को दिया गया था, उस वक्त इसका ठहराव किया गया था और आज कमिश्नर भालचंद गोस्वामी साहब के वक्त उसका वॉल कंपाउंड बन रहा है। 2003-04 के बाद आज 2003 तो अगर इसकी लिंक में देखूं तो 2004 से आज 2023 से जुड़ी हुई है। मैं कमिश्नर साहब का बेहद मशहूर हूं कि उन्होंने एक जरूरी काम में कॉर्पोरेशन का अपना बजट दिया और वो काम आज होने वाला है। वॉल कंपाउंड के बाद यहां के लोग ऐसा चाहते थे तो बारिश होने लगी थी तो वो बताते थे कि नीचे का कुछ हिस्सा जो जमीन पर है वो हो जाए और कोई थोड़ा टॉप जैसा कोई काम काज वहां हो जाए।